नमस्कार, श्री माँ चमुंडा कर्मकांड कुटुम्बलीसी में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ पंडित यज्ञ शास्त्री एस्ट्रो, अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ और नित्य की तरह लाया हूँ आज का राशिफल कैसा रहेगा आज का दिन। तो मेष राशि वाले जातक, समय मध्यम रहेगा आपका, सूझबूझ व परिश्रम से व्यापारिक क्षेत्र में आप कार्य कर पाएंगे। आय व्यय का जो सामंजस्य है वो बना रहेगा, कुछ बढ़िया से काम चलेगा, कुछ थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ेगा लेकिन सब कुछ बढ़िया चलेगा। घरेलू जीवन में एकता बनाए रखने की आपको बहुत जरूरत है, अन्यथा पूरा परिवार टूट सकता है। सामाजिक जिम्मेदारियों का पूरा करने में सफल होंगे आप, जो सामाजिक आपसे कुछ चाहते हैं लोग वो भी आप पूरा करेंगे। आय बढ़ोतरी के लिए प्रयास रहना आवश्यक है, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस आगे बढ़े, ज्यादा बढ़े, तो उसमें लिए आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा और वो बढ़ेगा निश्चित रूप से। निश्चित राशि समय उत्तम फल प्रद, आपके लिए समय अच्छा है और अच्छा फल देने वाला है। कार्य सिद्धि से मनोबल आपका ऊंचा होगा और आपका मनोबल बढ़ने वाला है। भूमि वाहन आदि का सुख बढ़ेगा, पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसे सुख सहयोग और प्रसन्नता बनी रहेगी। मिथुन राशि ग्रह गोचर स्थिति प्रतिकूल होगी, परिजनों से अनबन और मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए परिवार में ऐसे विचार ना रखें जिससे कि परिवार वाले सहमत ना हो, सब एक बनकर चले अर्थात आपके लिए अच्छा रहेगा अगर पूरा परिवार एक बनकर चलता है तो। व्यर्थ के दिखावे से बचे था किसी के बहकावे ना आए, नहीं तो के परिवार को अन्य लोग जो उसका लाभ उठा सकते हैं। कर्क राशि समय शुभ है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, चित्त में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, जीवन साथी का आपको सहयोग मिलने वाला है और परिवार में सुख शांति रहेगी और पूरा परिवार एक बनकर चलेगा। सिंह राशि समय अनुकूल है आपका और देश विदेश के शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाले, जो आपके विदेशों में आपके सहयोगी हैं, कोई रिश्तेदार हैं, उनका आपको शुभ समाचार मिलने वाला है। आय के साधन में बढ़ोतरी होगी, रुके हुए कार्य आपके संपन्न होने वाले हैं और सोचा हुआ कार्य आपका पूरा होगा। कन्या राशि समय मध्यम है, कार्य व्यवसाय की स्थिति सामान्य रहेगी, वरिष्ठ व्यक्तियों से सहयोग व प्रोत्साहन आपको प्राप्त होगा, आय व्यय की समानता से मन में संतोष बना रहेगा। तुला राशि सितारों की चाल प्रतिकूल होगी और पर लोगों की बातों में आकर कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे पारिवारिक परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए वो काम बिल्कुल ना करे जिससे कि परिवार में परेशानी बढ़ सकती है, आपसी मन मुटाव हो जाए। कार्यक्षेत्र में बेवजह वाद विवाद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जीवन साथ से मन मुटाव होगा, आपको आजकल थोड़ा सा गुस्सा आना जो है आरंभ होगा। वृश्चिक राशि ग्रह गोचर की अनुकूलता में समय शुभ फलों को देने वाला है और मामूली प्रयास से कार्य जो आपके सफल होने वाले हैं, किसी शुभ कार्य की योजना बनेगी तथा पारिवारिक संबंध में सुख व प्रसन्नता रहने वाली है। व्यवसाय नौकरी आदि में विशेष उन्नति के आपको अवसर मिलने वाला है। धनुराशि ग्रह गोचर की अनुकूलता से साहसिक कार्यों में विशेष रूप से जो है आपको सफलता प्राप्त होगी, अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा, समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है और मातृपक्ष का मेल जोल बढ़ेगा, शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है आज के दिन में। मकर राशि समय मध्यम है, कार्य क्षेत्र में स्थिति सामान्य बनी रहेगी तथा व्यय की परेशानी आपको, व्यर्थ की जो परेशानी है, व्यय होगा आपका धन, उसकी जो परेशानी है वो अधिक रहेगी। सामाजिक व पारिवारिक उत्तरदायित्व पूरे होंगे, आपके प्रति जो उत्तरदायित्व है समाज के लिए या परिवार के लिए वो पूरे होंगे, मान सम्मान बना रहेगा, व्यवसायिक यात्रा सफल होगी परंतु आय आपकी मध्यम रहने वाली है, अधिक आय भी आपकी नहीं रहेगी। कुंभ राशि सितारों की चाल प्रतिकूल है, आपके सितारे आपके अनुकूल नहीं चलेंगे, अतः कार्य व्यवसाय प्रति सतर्क रहे, आपका जो काम है उसको ढील ना दें, नौकरों के हवाले अपना बिजनेस ना करें, व्यापार में रुकावटें आने की संभावनाएं हैं तथा धन आदि की समस्या उत्पन्न हो सकती है, कहीं भी आपको घाटा उठाना पड़ सकता है। सरकारी अफसरों का वाद विवाद बढ़ेगा, गुप्त रोग व शत्रु परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं आपके जीवन में। मीन राशि सितारों की चाल अनुकूल होने से कार्य कुशलता में जो आपके काम है, बिगड़े हुए काम थे वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े बुजुर्गों का पूर्ण आपको सहयोग जो है प्राप्त होने वाला है, यात्रा का आपको जो लाभ होने वाला था पूरा लाभ होगा, जहां आप अपने बिजनेस पर्पस से जा रहे थे उसका आपको लाभ मिलने वाला है। गृहस्थ सुख बढ़ेगा, आपसे सहयोग जो आप परिवार का मिलने वाला है, प्रशासन व व्यवस्था के कार्य सफल होंगे और पूरा परिवार एकजुट होकर काम करेगा, कुल मिलाकर आपका दिन जो है शुभ जाने वाला है। तो ये था आज का राशिफल, श्री माँ चमुंडा कर्मकांड कुटुंब लीसवी आपके लिए लाता है नित्य आपका राशिफल। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें और ऑल नोटिफिकेशन करें ताकि आपको नित्य आपका राशिफल मिल सके।